नमस्कार, स्टॉक बेदबी में आपका स्वागत है। सर, आज मैं आपके सामने में पांच ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जो स्मॉल कैप कैटेगरी से और जिन्होंने ब्रेकआउट दिया है। तो आप अगर ऐसे स्टॉक खोज रहे हैं कि स्मॉल कैप भी हैं, ब्रेकआउट भी दिया है, तो ये बेहतरीन स्टॉक हैं और इनमें आप इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है और स्विंग ट्रेडिंग भी की जा सकती है इसमें और पोजिशनल ट्रेडिंग भी की जा सकती है। तो पांचों के पांचों बेहतरीन स्टॉक हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला स्टॉक देखते हैं, जिंदल सोल लिमिटेड। तो ये स्टॉक सर ऐसे हैं कि इसमें आप करेंट प्राइस से पोजीशन बना सकते हैं और इसको आप आगे की ओर राइड कर सकते हैं जैसे जैसे स्टॉप लॉस बढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो ऐसे स्टॉक में करिए जो ब्रेकआउट दे रहे हो। जब ब्रेकआउट स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से हमारा पैसा जल्दी ग्रोथ होने की संभावना रहती है। तो ठीक है सर, ज़्यादा इसके फंडामेंटल वगैरह तो मैं नहीं बताऊंगा, सीधे आपको चार्ट पे ले चलता हूँ। और देखिए, इसने ब्रेकआउट दिए हैं तो यहाँ से ये बेहतरीन रैली की संभावना है इन स्टॉक्स में। और अगर कुछ जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब ये चाहते हैं कि 10-15% का प्रॉफिट लें, तो अपना 10-15% का प्रॉफिट लेकर बुक कर सकते हैं। जो आगे राइड करना चाहते हैं तो उसको एसएल को अपने बढ़ाते जाइए और आगे राइड करिए। सर, कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जिसमें आप ये सोचें कि हमें स्टॉक को लंबे समय तक रखना है। लंबे समय तक, ये पहले पहले और भी वीडियो बनाए हैं, उसमें भी मैं आपको कह चुका हूँ कि लंबा समय कुछ नहीं होता है। लंबे समय तक अगर स्टॉक दे रहा है तो लंबे समय तक रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो के साथ। पहला स्टॉक आप देखिए, आप जिंदल सो में चार्ट पे ले चलते हैं आपको। इसमें ये देखिए, आपको खूबसूरत चार्ट इसका दिखाई दे रहा है और ये इसने ब्रेकआउट दिया है सर यहाँ पे 543 के लगभग ये ब्रेकआउट हुआ है इसका। अब यहाँ पे जैसे आपने नहीं ले पाया तो अब ये स्टॉक हम ये 575 पे चल रहा है। ठीक है सर, तो करंट प्राइस पर हम बाय करेंगे। कल नया वीक स्टार्ट होगा, क्योंकि नए वीक में हम ये देखते हैं कि ये जो कल अपनी जो पिछले फ्राइडे को ये पिछले ट्रेडिंग सेशन में कहाँ तक गया था, ये गया है 579 पे। तो ये देखते हैं कि ये अगली वीक में जो जा रहा है तो ये यहाँ से ही ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वहाँ पर आप बाय कीजिए। और जहाँ पे ऊपर जा रहा है 579 के ऊपर, आप इसको बाय कीजिए। और स्टॉप लॉस, हाँ स्टॉप लॉस जरूर इसका आप 558 के लगभग रखिए एसएल इसका, और 558 के अलावा ऐसे रख के आप इसको राइड कीजिए। और यहाँ से आपको ये इजीली अच्छे रिटर्न दे जाएगा, 600, 650, 700 तक के टारगेट दिखा देगा। तो इसमें बने रहिए, आप इस स्टॉक को लीजिए। सबसे पहला जिंदल सो, और चार्ट के ऊपर मैंने आपको बता दिया, कुछ लेवल्स ही बता दिए, वो आपको ध्यान रखने। कल ये स्टॉक 579 के ऊपर निकलता है, आप इसको बाई कीजिए, और बाई करके आप एसएल इसमें रखिए, वो मैंने बताया ही आपको। 557 के अलावा एसएल रखिए और आप इसमें एंजॉय करिए। ठीक है सर, दूसरा स्टॉक आपको बताता हूँ। दूसरा स्टॉक है सर एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड। इसका सर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, और जीनस पावर और एचपीएल इलेक्ट्रिक जो हमारे घरों में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं तो उनको लगाने का काम है इस कंपनी का। यहाँ से इसमें बेहतरीन तेजी की संभावना है इस कंपनी को, और ब्रेकआउट भी है इसका, तो ये यहाँ से अच्छा आपको मूव दिखाई जाएगी कंपनी। और आप इस करेंट प्राइस बाय कर सकते हैं, और ये 400 या 403 तक का आप इसमें स्टॉप लॉस लगाइए, और स्टॉप लॉस लगा के आप इजीली इसमें आपको अच्छा टारगेट दिखा देगी। ये 500-550 तक का टारगेट दिखा जाएगी। अच्छी कंपनी है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं कंपनी में, और इसमें आप बने रहिए कंपनी के साथ, अच्छा टारगेट दिखाएगी आपको। चलो वीकली टाइम फ्रेम भी देखते हैं इसका एक बार। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी ये बुलिश है कंपनी, तो इसको आप इजीली, आप जो ये जो प्राइस चल रही है 425, यहाँ पे आप कल इसको बाई कीजिएगा, और कल बाई करके आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। एसएल जो मैंने आपको बताया 400, ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो एसएल हो जाएगा, जो मैंने आपको 404 का जो वनडे टाइम फ्रेम पे एसएल बताया उसको आप एसएल को रखिए, और आप वहाँ से आप आराम से इसको 403-404 का एसएल रख के, और आप आराम से इसको देखिए, और जहाँ ये जा रहा है वहाँ जाने दीजिए इसको। वहाँ जहाँ तक ये जा रहा है 10-20%, जहाँ जितना आपको रिटर्न लेना है, कम रिटर्न लेना है तो कम रिटर्न पे निकलिए, और जो अधिक रिटर्न लेना है तो अधिक रिटर्न बन के। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आपको एसएल दूँ इसका, क्योंकि ज्यादा समय तक अगर आपको रुकना हो तो वीकली टाइम फ्रेम पर इसका एसएल आप 365, लेकिन 365 नहीं, जहाँ तक इस पर एसएल काफ़ी लंबा आ रहा है तो इतना एसएल नहीं रखेंगे। आपको एसएल जो रखना है, एसएल कुछ रूल होते हैं, जैसे एसएल आप अगर रखें तो 15% तक का मिनिमम, अधिकतम मैक्सिमम 50% तक का रख लें अगर आपको अधिक दिनों तक रुकना है। वैसे वनडे टाइम फ्रेम में जो एसएल है इसका 404 या 405 तक का, ये जो एसएल है 405 तक का, इसको एसएल को रखिए आप, और देखिए जहाँ तक जा रहा है इसमें आप राइड करते रहिए। ठीक है सर, तीसरा स्टॉक है, अगला स्टॉक है सर पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है सर, इसका ही ब्रेकआउट है तो इसको भी आप कंसिडर करिए,
अच्छा स्टॉक है, पहले भी इसने काफी अच्छी रैली दिखाई थी। तो इस स्टॉक को आप कल जब मार्केट खुलता है तो करंट प्राइस बाई कर सकते हैं, 400 से थोड़ा बहुत नीचे आए तो ही बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें SL आप आराम से 436 या 448 लगभग आ रहा है, 448, थोड़ा और सेफ रखना चाहें तो 436 का ऐसे रखें, आप आराम से इसमें बैठे बैठे रहिए, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि पहले भी REC, PFC जो भी फाइनेंस कंपनियां हैं, जो भी पावर की फाइनेंस कंपनियां हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए इन कंपनियों ने, तो आप इसमें भी आप आराम से बैठे रहिए स्टॉक के साथ भी। PFC बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, यहाँ से अच्छा रैली दिखाएगा और अच्छा रिटर्न देगा यहाँ से। ठीक है, अगले स्टॉक मिलते हैं सर। अगला स्टॉक है सर NMDC लिमिटेड, ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, ये भी ब्रेकआउट है इसका भी। तो ये अपने 52 वीक हाई के मतलब फ्रेश हाई पे ही चल रहे हैं। तो जो स्टॉक जो अपने 52 वीक हाई या फ्रेश हाई पे जाते हैं, जो कि खुले आसमान में चलते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न और अच्छा रिटर्न देते हैं। और उनकी संभावना ये रहती है कि वहाँ से वो 20-30-40-50% तक आराम से मूव करते हैं। तो इस स्टॉक पे भी कंसिडर कर सकते हैं आप NMDC लिमिटेड को। कल मार्केट खुलता है तो आप इस प्राइस बाई कीजिए, थोड़ा नीचे है तब भी बाई कीजिए। और इसका SL आप इजीली, इसका SL सेफली SL आप 253 का रखिए, और 253 SL रख के आप आराम से इसमें देखिए कहाँ तक ही जा रहा है, वहाँ तक SL जहाँ आपका कट हो जाए वहाँ से निकल जाइए। ठीक है, मैंने आपको 4 स्टॉक बताए सर, एक और स्टॉक बताता हूँ इसमें मैं आपको। अगला स्टॉक है एयरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये स्टॉक सर रेलवे का स्टॉक है और ये काफ़ी दिनों से इस रेंज में ही चल रहा है। ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है कि ये इसी रेंज में काफ़ी दिनों से चल रहा है। इसका ये ब्रेकआउट होगा 274 या 275 रुपये, इसका ब्रेकआउट होगा। तो इसमें आप इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए, अच्छा स्टॉक है। रेलवे के स्टॉक और डिफेंस के स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो इस स्टॉक को आप यहाँ से आप बाई करिए, और थोड़ा अगर नीचे आता है तो ज़्यादा नीचे नहीं आएगा स्टॉक, ये 237-235 यहाँ तक आप इसको खरीदते रहिए, और स्टॉक जल्दी आपको अच्छा मूव दिखाएगा। यहाँ से मुझे लगता है ये इजीली आपको ये यहाँ से आपको 275 का मूव दिखा देगा, 275 के बाद 300 के लिए स्टॉक रेडी है। तो इसमें आप बाई कर सकते हैं और बेहिचक बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे के स्टॉक में एयरपोर्ट इंटरनेशनल, IRFC कोई दिक्कत नहीं है, RVNL में जुपिटर वेगन काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं। तो एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, आराम से बाई कीजिए, और इनको देखिए आप यहाँ से थोड़ा और नीचे जाए कोई ऐसा नहीं दूंगा, क्योंकि अच्छा बेहतरीन स्टॉक है, थोड़ा नीचे जाए तो भी आप बाई कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अच्छा स्टॉक बनी रह सकते हो इसके साथ। और यहाँ से क्योंकि ये सरकारी शेयरों में तेजी आ रही है, तो रेलवे और इनके शेयरों में, रेलवे के शेयरों, पावर के शेयरों, जैसे मैंने PFC बताया, तो इन शेयरों में तेजी दिख रही है, तो मुझे लग रहा है जल्दी आपको ये अच्छा टारगेट दिखा देगा एयरकॉन इंटरनेशनल भी। तो ठीक है सर, मैंने आपके आपके सामने 5 स्टॉक बताए, 5 स्टॉक को आप वीडियो में देख सकते हैं एक बार, बेहतरीन स्टॉक है, 5 के 5 इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिनमें स्टॉक मैंने SL बताए उन स्टॉक SL के साथ चल सकते हैं, और कुछ स्टॉक बिना SL के बताए तो उनमें भी चल सकते हैं। 5 के 5 बेहतरीन स्टॉक हैं, अगर सभी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।